अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ जैसे आप बहुत ही मजे ले सकते हैं। तो वो कैसे, वो आपने इस तरह मजे लेने हैं कि कोई भी आपको व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, कहीं पर भी आपको SMS करेगा, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप उसका रिप्लाई उसको दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहा होगा, तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे और बहुत ही जिस तरह आप, आपकी मर्जी है उस तरह आप खुद बनाकर उसको सेंड कर सकते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर ही अंदर। तो कैसे ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक कीबोर्ड डाउनलोड करना होगा, उसका सेटिंग आपको करना होगा। सेटिंग करने के बाद आप उसका रिप्लाई किस तरह कर सकते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। तो आप लोगों का कीमती वक्त मैं जाया नहीं करूंगा, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सारा प्रोसेस सीखते दोस्तों, सबसे हैं। पहले आपने ओपन कर देना है अपने प्ले स्टोर को या ऐप स्टोर को। ऐप स्टोर पर तो मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन वहां पे भी आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ से मैं प्ले स्टोर को ओपन कर देता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार में आपने सर्च कर देना है बबली कीबोर्ड। तो बबली कीबोर्ड सर्च करने के बाद ये एक कीबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस कीबोर्ड को आपने डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद अभी जो जो भी सेटिंग आपने करना है वो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डाउनलोड करने के बाद इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपने एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह बंगाली, पंजाबी, बहुत से ऑप्शन हो गए। लेकिन इसको आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आपने अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अदर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, बबली कीबोर्ड और जी कीबोर्ड। तो यहाँ से आपने बबली कीबोर्ड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश इंडियन भी ठीक रहेगा। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, वरना यहाँ से आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आपने आना है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपने इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद अभी आपने व्हाट्सएप में या मैसेंजर में कहीं पर भी आपने चले जाना है। तो मैं यहाँ से अपने व्हाट्सएप को ओपन कर देता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक चैट हिस्ट्री को ओपन करता हूँ। यहाँ पर अभी मैं जब भी किसी को SMS करूंगा तो यहाँ पर मैं हाई लिख देता हूँ। हाई लिखने के बाद साइड पर आपको एक हाई का आइकन नजर आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास नेट हो तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे अंदाज के। तो थोड़ा वेट करते हैं, मेरा जो नेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहा होगा हाई के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी पसंद हो, जो आप सेंड करना चाहते हो, उसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो वहां पर सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को भी SMS कर सकते हैं। अगर हाई के साथ में कुछ और भी लिखूं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हाय खाए या कुछ और लिख दूं, हाय बाय लिख दूं, तो यहाँ पर वही ऑप्शन मेरे सामने ही आएगा। तो इस तरीके से आपने जो कुछ भी लिखना है अच्छे तरीके से लिख के यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके।